सागे फनकार। जय अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं जी आपका अपना नवाज अंजुम पाक हरियाणवी कल्चर टीवी के प्रोग्राम जी फन सागे फनकार में। जी आज जिस मेरे सागे फनकार है जी, हमारे बड़ी खुशी है जी कि हमारी बरादरी में, हमारी माँ बोली में ऐसा ऐसा शायर है, ऐसा ऐसा राइटर जनाब है, और मैंने आज तक पता ही को नहीं चाले हो, क्योंकि आज तक ना कोई सो प्लेटफार्म हो कि जिनमें मैं अपना जैसा लोग हा मेरे ना प्रोमिनेट कर सका। लेकिन जसूँ चैनल पाक हरियाणवी कल्चर टीवी आए जी, तो हमारा लोग भी बैखुल का सामना आया जी। तो आज जैम्बर सू जनाब स्पेशल फन सागा फनकार में जी हमारा स्टूडियो में तशरीफ लेकर आया है जी राणा वकील अंजुम। मन्ना बड़ी खुशी है जी नवाज अंजुम का सागे राणा वकील अंजुम, दो अंजुम इकट्ठा हो रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम नवाज भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। सब तो पहले तो मैं अपना जी आया ना कमा जी आपको खैर मकदम करा जी कि आप पाक हरियाणवी कल्चर टीवी में आया। तो था ना जनाब पाक हरियाणवी कल्चर टीवी में आ गए, कैतरा लागे हो? बिल्कुल बहुत अच्छा लगे नवाज भाई, बिल्कुल घर भर का मोहला, अपनी जुबान, अपनी बात, अपनी भाषा, सारा कुछ। बड़ी बात है वकील भाई, बनना तो सबसे बड़ी खुशी है कि जब अपनी जुबान को बंदो, अपनी ही जुबान का बंदा का सागा बात कर रहे नहीं तो फूल खिलना शुरू हो जाए कि बड़ो जी करे, क्योंकि जब कोई और आदमी कोई बोले नहीं तो बंदा ने फिर तकलीफ हो यार मेरे सागा वो अपनी बोली बोलना लोग को नहीं आने लग रहे हो, बंदो वो खुल गया अपने अंदर को इजहार को नहीं कर सके। तो जनाब मैं समझूँ कि वो प्लेटफार्म जिसको मैं बनाए हुए है, मैं बड़ी खुशी की बात भी है कि चलो शुक्र है कि महाराज जैसा लोग बहुत पीछे पीछे चले गया, वरना माशाल्लाह जितना अच्छा था राइटर हो, जितना अच्छा जनाब थे शायर हो, तो थाना तो बहुत आगे तक जाना चाहिए, थारो नाम तो पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए, लेकिन के माना सिर्फ जगह फराम को नहीं हो सकी है वजह से। बिल्कुल इस तरह है, एक तो बैकवर्ड इलाका, फिर हमारे लोग जो हैं वो आगे आ नहीं सके, उन्हें चांस नहीं मिले, कुछ अपने लोगों ने हेल्प नहीं करी, जिस तरह के थाना चैनल बनाया और अपने लोगों की जिस तरह हम सपोर्ट कर रहे हो जी, जो बड़ी बात है, और इस तरह मैंने उम्मीद है के बहुत से लोग निखर का सामने आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात करी था, और मैंने खुशी है कि देखो जैम्बर सू नादर फहमी भाई भी आए हो, देन वकील भाई भी आ गए, और मैंने बड़ी खुशी है। अच्छा जी, हिंदुस्तान सू किस इलाका सू ताल्लुक हो? मेरा हिंदुस्तान तो ताल्लुक है जी जिला करनाल, तहसील करनाल, कैथल, कैथल खेड़ी शरफ अली अली। अरे वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह। आज जनाब जो आपका शायरी वगैरह तो हम सुनते सुन ही लेंगे जनाब, आज मैं थोड़ा सा चेंज देना चाह रहा हूँ कि आज फन सागे फनकार का जो आपका जो आगाज़ है शायरी का, वो जो आपने हरियाणवी में नात लिखी है उससे करते हैं जी। रब ने गजब बनाए थे हर खूबी जोड़ के, वाह वाह वाह, रब ने गजब बनाए थे हर खूबी जोड़ के, कोई बनाया मुस्तफा बरगानी बोड़ के, रब ने गजब बनाए थे अरे खूबी जोड़ के, मेरे नबी की डाल का ओया नी कोई और, मेरे नबी की डाल का ओया नी कोई और, देखी सकायनात की सुभान अल्लाह माटी पिछोड़ के, सुभान अल्लाह क्या बात है, क्या बात है, देखी सकायनात की माटी पिछोड़ के, कोई बनाया मुस्तफा बरगानी बोड़ के, रब ने गजब बनाए थे अर खूबी जोड़ के। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आज आगाज जनाब मैं आज हमदो नाथ सा करया, तो भाई जन वो कैतरा ख्याल आयो, माशाल्लाह आप तो खेती बाड़ी या बस वो ही मारो काम है घरा में, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बड़ा लोग भी ऑफिसर भी है, लेकिन शायरी को ख्याल कैतरा आ गया जहन में?
बस शुरू था इस तरह था कि बड़े भाई ताज मुरसलीन साहब लिखे करे थे। ताज मुरसलीन आपके बड़े भाई? वो बड़े भाई हैं, वो भी शायर थे जी। शायर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक चार शायर हैं जी हमारे घर में माशाल्लाह जी। बड़े भाई हैं, फिर मेरे था दो छोटे हैं, वो भी लिखा। वाह 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 वाह, यानी कि नस्ल दर नस्ल ये काम शिफ्ट हो रहा है, बड़ी बात है जी। हाँ बस वाह वाह। तो आप तीसरी चौथी जगह पे हो आप? मैं दूसरी जगह। अच्छा दूसरी जगह पे। अच्छा जी। तो छोटे हैं दो, एक रणवी का भी बहुत अच्छा शायर है वो। अच्छा माशाल्लाह। अख्तर उर्दू बहुत अच्छी लिखा। अजी वाह वाह। तो जो एक मेरा था यानी कि छोटा वो वसीम, अजी वसीम अंसर के नाम, उनका नाम, वो पंजाबी ज़्यादा लिखा। बड़ी बात। और जनाब वकील अंजुम साहब, जनाब आजकल संगीता आपा एक नवी फिल्म बनाने लग रही है, तो बहंगा वास्ते शायरी देने आया, अपना गीत ले आया, तो मैंने बड़ी खुशी हुई कि यार शुक्र है कि हमारा लोग इसी पोस्ट पर है, इसी जगह पर है कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में चांस मिलने ला रही है और काम मिलने ला रही है, और हमारे वास्ते एक बड़ी खुशाइंद सी बात है। तो जनाब पहलो शेर किसो लिखियो? पहला शेर जी बड़े भाई थे। अच्छा। उनके गले मेरी एक यानी कि उन्हें गिफ्ट की बात करी थी। अच्छा। वो लेट हो गए। अच्छा। उस पर बकायदा आप हैरान हो गए नवाज भाई के, तीसरी क्लास के अंदर मैंने नज़म लिख दी थी घड़ी के ऊपर। अरे वाह 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 वाह, घड़ी पे। यानी कि उन्हें मेरे तक कहा था भी तरह वो एक रेस्ट वाइज थी जो रंग तब्दील करेगी जी जी, वो बचपन में मैंने बहुत पसंद। अच्छा। उन्होंने कभी अगर तुम पास हो जाए ना तेरे था मैं घड़ी ला कर दूंगा अच्छे नंबर। वाह वाह। और मैंने अच्छे नंबर लिए, मैं पास हो गया, तो वो भाई नहीं आए, फिर उस पर मैंने नज़म लिखी। वाह जरा सुनाओगे? नहीं वो पुरानी शायरी थी यानी कि जिसका वजन अरूज इसका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन वो घड़ी क्यों खड़ी, मैं इंतजार में खड़ी। आपने कहा था कि मैं दूंगा घड़ी, आप आए नहीं, घड़ी दो घड़ी इस तरह। लेकिन आगाज बड़ा अच्छा, लेकिन वो गुण गुण नजर आने लग गए थारे में कि जनाब के वेरी गुड शायरी कर सको। तो जनाब फिर एक दोस्त थे पांचवी क्लास में, तो उन्हें एक शेर की ऑफर करी मेरे था भी कुछ शेर इस तरह का लिखो, तो वो भी यानी कि वजन के लिए अरूज के लिए इसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। तो वो मेरा पहला जो है ना आशिकी पर शेर था पांचवी क्लास के अंदर बचपन में। रो शुरू से आशिक मिजाज हो? नहीं मैं नहीं था। अच्छा शायरी जो दोस्त था वो नौवीं क्लास का। अच्छा अच्छा। तो एक बात होती है लब पर, एक बात सामने वो आते हैं, एक बात होती है लब पर जब सामने वो आते हैं, दिल धड़कने लगता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। आहा, हा, हा, हा। तो ये मेरा जनाब पांचवी क्लास का शेर। अरे वाह 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 वाह। तो फिर क्लास यहाँ से आपकी आप होती गई? बस होती गई जी। फिर वो उस्ताद मिल गए मेरे, उस्ताद शायरी के हैं चौधरी जमील बटवाला साहब। वारे वाह। वो भी अपने हरियाणवी जुबान का ताल्लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो पीछे इंडिया था उनका ताल्लुक है गठ गाँव था जी जी, बहुत उनकी गठ है बल्कि। वाह वाह। तो ये चीज़ है जी, और ये माना बड़ा यानी कि खुशी है जी। हमारे उस्ताद भी हरियाणवी थे बाबा, और हम भी अगर माशाल्लाह। तो भाईजान अभी तक कोई किताब वगैरह छापी अपनी को कोनी? नहीं किताब का एक तो दौर से नहीं रहा जाना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मीडिया का दौर आ गया। हाँ। तो दूसरा ये हुआ कि कोई सहूलत नहीं मिली। हाँ जी ठीक है, इस तरह का सिलसिला। अच्छा माशाल्लाह। तो कुछ सुनाओगे भाइयों ने, क्योंकि इंतज़ार करने लग रहा है कि जनाब आज जंबर से जनाब राणा वकील अंजुम जनाब आज हमारे स्टूडियो में जी फन सागर फनकार में, तो अपनी फनकारी कुछ सुनाओगे जनाब ने? कोई गीत सुनाना चाहो गीत सुनाओ जी, कोई शायरी लिखना चाहो कोई शायरी सुनाना चाहो तो शायरी। कोरोना आया था जी, कोरोना के ऊपर अपनी एक हरियाणवी रचना है। हाँ जी। उस पर लिखा था कि गात के गले गात ना लाइए, गात के गीले गात ना लाइए, यार कोरोना से यार कोरोना से। वाह। गात के गीले गात ना लाइए, यार कोरोना से, दूर दूर तक करदा रहिए प्यार कोरोना से। वंडरफुल। गात के गीले गात ना लाइए, यार कोरोना से, दूर दूर तक करदा रहिए प्यार कोरोना से, और डरदे कोनी दोनों सुथरी ढाला लड़ रहे से। वार डरदे कोनी दोनों सुतरी डाला लड़ रहे से, लड़ रहे से। हमारी गवर्नमेंट का इशू था नहीं जी डरना नहीं लड़ना, लड़ना है। तो ये बात है कि डरदे कोनी दोनों सुतरी डाला लड़ रहे से, लड़ रहे से, वीर करोना से किते बरतार करोना से। वाह वारे वाह। वीर करोना से किते बरतार करोना से, हर घर में कुतका जे बाजे तो, घर में कुतका जे बाजे से रोज तो बाजन दे। वाह 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 वाह। घर में कुतका जे बाजा सा रोज तो बाजन दे, वीर ते डरदा किते ना जाइए बार कोरोना से। आ हा हा हा। वारे वारे वारे। डरदा किते ना जाइए बार कोरोना से।
बेडर बकरी डाला सारे घर में ताड़ दिए। वाह बेडर बकरी डाला सारे घर में ताड़ दिए ताड़ दिए बैका भूत बना रखा बेकार करोना से। हाय 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 बैका भूत बना रखा बेकार करोना से। खेल कसूता खेले अंजुम खेलन आले ने। आहा खेल कसूता खेले अंजुम खेलन आले ने। तकड़ा बोले माड़े दुखा सार करोना से। तकड़ा बोले माड़े भूखा सार करोना से। ठीक है और आजकल जनाब के जो सेकंड लहर आई है जी करोना की बाकी थोड़ी सी टफ है। मैंने दिल ना जोड़गा तो रखना है लेकिन बाजार थोड़ी सी दूरी रखनी है। मैं देखो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पिछली दफा जरा करोना की एक लहर आई सब दोस्तों बड़ी हिम्मत को मुजाहरों करो हमारी बचत को। असल में मसला ये वही है कि मैं दूसरे मुल्कों का तरह हमारा ओल्ड पीपल हाउस को नहीं यानी कि हमारा जैसा बुजुर्ग है वह अपना अपना घर में रहे को नहीं कि मैं सारा बुजुर्ग एक ही जगह इकट्ठा कर दिया भाई मैं माँ हुआ या बाप हुआ। दूसरी दुनिया में हमारा वास्ता तो जनाब माँ बाप अदब की जगह है अल्लाह और रसूल का बाद जनाब हमारे लिए तो इबादत की जगह माँ बाप हुआ मैंने ना मुस्कुरा को देखने भी एक इबादत है जी। तो हमारा वास्ता तो ए वास्ता भी एक करोना की बचत है कि एक तो खेत में गाँव में हमारा घर जरा बड़ा बड़ा और खुला खुला हुआ और दुनिया में बस सजा करोना पड़ गया हमारा गांव दिया जरा दूर दूर भी घर भी थोड़ा सा दूर दूर हो गए तो काम काज भी ज़रा स्ट्रगल भी विल पावर भी ज़्यादा है ए वजह से बचत भी ज़्यादा हो गई। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान है ख़ास तौर पर जनाब पाकिस्तान के जितने भी जो जनाब शहर है गांव है देहात है अल्लाह ताला सब ने जी करोना वायरस से महफूज रखा। बड़ा खूबसूरत कलाम करियो जी। तो एक गज़ल लिखी थी जी एक सिंगर अपने रहणवी के। अच्छा जी दिहाड़ी का ताल्लुक आम था दही थी तो वो सुनाऊँगा दो चार बोल धार था जी जी। तेरे पाछे बरान के कर दे वाह तेरे पाछे बरान के कर दे टुकड़े टुकड़े से जान के कर दे तेरे पाछे बरान के कर दे जिनके कमरे में तेरी फोटू थी वाह वाह जिनके कमरे में जिनके कमरे कर दे वाह 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 तेरे पाछे बरान के कर दे। बहुत अच्छे वकील भाई क्या बात है जी। अच्छा ओ वकील भाई उर्दू भी लिखी पंजाबी भी लिखी। जी जी उर्दू लिखी पंजाबी लिखी हरियाणवी लिखी। हरियाणवी तो बात है माँ बोली मारी जबान जी तो लिखना बड़ा जरूरी है जी। अपनी अपनी अपनों कोई खिलाफ यो अपने हरियाणवी लोग किसे हैं के उनके रस्म रिवाज हैं। वाह बहुत अच्छे। तो इस तरह जी मारो कल्चर जो है जी मारे कल्चर है मारे खेल न्यारे कोड़ी कुश्ती दंगल बारी से हैं। वाह 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 मारे खेल न्यारे कोड़ी कुश्ती दंगल बारी से हैं मड़े सुबह के कड़वे सा पर अंग अंग पीत समारी से। बहुत अच्छे वाह वाह दिल ते दिल के गेल जुड़े सा नर से भावे नारी से अमरियाणा के मानसा मारी रीत न्यारी से। बहुत अच्छे वाह 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 अमरियाणा के मानसा मारी रीत न्यारी से ताई चाची मौसी नैमा बापू जाना है ताऊ ने। ताई चाची मौसी नैमा बापू जाना है ताऊ ने सक्का ऊपर जीना वारा दुख नहीं देंदे लाऊ ने। वारे वाह वारे लाण मनून गणाजे पड़जे तो भी कुतका बाजा से। लाण मनून गणाजे पड़जे तो भी कुतका बाजा से मिर्च मसाला गाड़जे हो जे तो भी खड़दू माचे से जे आगाते जोरू जोरू बोले तो भी खागड़ नाचे से। अड़ी मूड से बंदे साम यो एक बीमारी से। वाह वाह हरियाणा के मानस से मारी रीत न्यारी से। बहुत अच्छे गिट्टिया के मैं जान अटकरी हो जे सुक्का लकड़ो। वाह वाह
गिट्टे आके मैं जान अटकरी बचे सुक्का लाकड़ हो लाकड़ हो राजा पूजा कोई जाट हो पावे भुखा रंगड़ हो हर सिर निवाड़ का जिंदा कोनी जो भी जग में रंगड़ हो अदर मान बड़ा का रख है पूरा अज्ञाकारी है वाह 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 हरियाणा के मानसा मारी रीत न्यारी बहुत खूबसूरत वारे वाह वारे वाह वारे वाह वारे वाह घूंघट काटे छम छम कर दी अंडा देखण आली से घूंघट काटे छम छम कर दी अंडा देखण आली से लंबी ठिंगी मोटी पतली भूरी भावे काली से अर देवरा ना तो भोजा प्यारी वारे वाह वारे वाह वारे वाह देवरा ना तो भोजा प्यारी अर्जी जाने साली से वाह जो से चोली दामन के मैं वह सब थे प्रभारी से वाह जो से चोली दामन के मैं वह सब था पर बारिश है हरियाणा के मानसा मारी रीत न्यारी सा बहुत अच्छा अरमादियां के दाज न लोड़ा है बुआ बात न तंग ऐसे मादियां के दाज न लोड़ा है बुआ बात न तंग ऐसे दाज थे काल तरावे बेटी अर छूचक भी मांगे से हाय हाय ये रस्मा नवाज बिल्कुल 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 जी बिल्कुल बिल्कुल दाज थे काल तरावे बेटी अर छूचक भी मांगे से बैंगी की गठड़ी के गेलों दसियों जोड़े टांगे से वाह अर जोन प्रोणे चारी में भी मान समान बधारी से वाह हरियाणा के मानस मारी रीत न्यारी से बहुत खूबसूरत वारे वाह तो ये बड़ी लंबी नज़म है जिसके दो बंद सुनाया मैंने था बहुत अच्छे अच्छा तो माशाल्लाह जितने तरह का मवाद है डायरियां भर रहा ये तो अब बाकी आपके बात तो ठीक कर ला रही हो कि अब तो कोई शेयर हुआ तो जनाब सोशल मीडिया का दौर है तो आदमी बस बैंगा ऊपर ही देवे तो रातों रात ही पूरी समझ आ जाए बैंगा कमेंट्स भी आ जाए सब कुछ आ जाए अच्छा जी जो आपने ये जो फिल्म के गाने लिखे हैं तो संगीता आपस से आपकी क्या बात हुई उन्होंने क्या सिचुएशन दी थी आपको फिल्म की जी जी उन्होंने धुन तैयार की हुई थी गानों की अच्छा तो उन्होंने धुन मेरे से दी है अच्छा उनके ऊपर मैं गाने लिख रहा हूँ बहुत अच्छी बात है अल्लाह ताला जी आपने कामयाब करा है मैंने बड़ी खुशी हुई है कि जनाब के भाई तो कोई इस को गीत जनाब जो थाना भी पसंद हुआ और लोगों ने थे सुनाओ की अपनों के लिखो गीत खमे खनाक मुच डारी से सुसरे की क्या न भाओ खारी से खमे खनाक मुच डारी से वाह 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 सुसरे की क्या न भाओ खारी से मैं तन्ना चाहूं सू जद भी बलाऊ सू हाँ कदी ना मैं बिछड़ारी से सुसरे की क्या न भाओ खारी से बहुत अच्छे मैं दिल थे दिल गैठे बैठा अरते बैरी ऐठे बैठा वाह 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 मैं दिल थे दिल गैठे बैठा अरते बैरी ऐठे बैठा जो करना से ज्ञान ते कर ले पर बोरा सा ध्यान ते कर ले कताई गोलेगी या न्यू में रोलेगी कताई गोलेगी या न्यू में रोलेगी मन की इच्छा न क्यों नटारी से सुसरे की क्या न भाओ खारी से वारे वा, वा। सुसरे की क्या न भाओ खारी से बहुत आला बहुत अच्छा तो ये बस यानी कि कलाम तो बहुत है नवाज भाई तो इस तरह बस वह थोड़ी थोड़ी जो है ना थरता मैं नहीं नहीं बड़ी अच्छी बात है जनाब लोग जो सा देखने ला रहे हैं पाकिस्तान में हमसाया मुल्क में जनाब मारे जो एटम जनाब पाक हरियाणवी कल्चर बड़ा अच्छा ट्रैक पर जान ला रहे हैं और लोगों की पसंदीदगी अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने जितना लाइक्स आवे है लोगों का तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर 100 लाइक्स है तो मैं एक सारा को तो गुड थम हुआ एक आधो थम तो जनाब हर पॉजिटिव चीज़ का सागे एक नेगेटिव जरूर हुआ है कोई ना कोई बंदो अच्छी बात है कि बेंगे अगर मेरे को कोई चीज़ कोई अच्छी को नहीं हुई तो मैं बारे में बताना भी चाहिए कि जनाब है ना यूँ नहीं यूँ कर लियो जनाब देखो क्योंकि एक हुआ दो 11 हुआ 3 111 हो जाए जब मैं एक की सोच कुछ अलहदा हुआ थारा दिमाग में कुछ अलहदा चीज़ मेरे दिमाग में कुछ क्योंकि मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करूँ क्योंकि मेरे ताल्लुक के फील्ड का सागा है थिएटर का सागा है रोज़ाना 1,000-1,500 आदमी हमें डेली जाकर लाइव काम भी करना पड़े तो माना तो वो जेन में हो गया नहीं कि यार लोगों को आइटम रुझान
की चलन ला रही है। बिल्कुल बिल्कुल नवाज भाई, जो ये लोग मुतजाद कमेंट करने वाले हो, मैं तो कहूंगा उन्होंने वेल विशर हूँ, बड़ा बहुत अच्छा, हमारी बुराई ना सामने लेकर आवा कि जो थाना गलती करी होगा। बड़ी खूबसूरत बात है, मैं कहूँ जी हमारी फील्ड में भी हुई होगा, ड्रामा लाइन में नहीं, जब कोई थाना कोई कहे कि यार तू अच्छो काम को नहीं करो, ऐसा बात फिर इंसान के अंदर एक जज्बो पैदा हो गया कि नहीं नहीं मैं अब तेरा काम करगा दिखाऊंगा, बंदो मेहनत करे एफर्ट करे और फिर अपनी मंजिल की तरफ जनाब वो बढ़ तो चले जावे, बड़ी अच्छी बात है कही जनाब। तो आगे के काम करने ला रहे हो जी, और इसके अलावा क्या करो? इस तो अलावा जी बस वैसे तो फ्री हूँ भाई, अच्छा। सारे कुछ आर्मी में है गया माशाल्लाह, यानी कि एक पुलिस में है, घर के अंदर मैं हूँ, रिश्तेदारी परोने चारी मैं संभालू, वाह 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 वाह, दिल्ली रान परोने जुगी पंजाबी की कहावत है। नहीं वैसे घर में बड़ी अच्छी खूबसूरत बात करी कि अगर चार पांच भाई अगर काम करने लग रहे हैं तो एक ना तो घर में रहना चाहिए कि जैसे बंदा है वो जरा वो हौसला हो जाए कि यार चलो हमारे घर में है वो डील करने लग रही है, हर आदमी अगर काम में मसरूफ है, क्योंकि सर अच्छा बुरा बड़ा ने अच्छो बुरो समझ लो वो बड़ी ज़रूरत है, वो बड़ी चीज़ है कि घर में वो तो कोई कि आते लुगाइयाँ मत्था लग जाएगी या कोई वो मर्द मर्दा सा बात कर सके, अपने जिस तरह कल्चर में है कि मर्द बैठ कर मरेंगे जी बिल्कुल सही। और अभी चीज़ है कि अल्लाह ना करो कोई सी ना गानी आफत हो जाए तो जी सर मसरूफ लोग है या जितना जितना भाई बताए कि आर्मी में पुलिस में अगर मैं मसरूफ है कहीं टाइम को नहीं तो बिना जाके चलो थे बहन की कसर पूरी करे हो, तो जना बड़ी अच्छी बात है। उसके गले जी इलस्ट्रेटर पर लोगों का काम करे हमें घर के अंदर जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, तो इस वजह से जो है ना बाहर जाने की लोड़ नहीं पड़ी। तो पाक हरियाणवी कल्चर टीवी के बारे में क्या कहोगा थे लोगों ने जनाब? जी पाक हरियाणवी कल्चर टीवी हमारी उमंगा का तर्जमान, मेहरबानी जी, मैं तो यो कहूंगा कि जिस चीज ना हम लोड़ रहे थे ना, जिस चीज की माना जरूरत थी वो प्लेटफॉर्म ना मिल गया, और जितने भी भाई हैं उन्हें यो चाहिए कि मैं तो हैरान हूँ कि नवाज भाई ना कोई दो तीन महीने हुए हैं हाँ जी तो इस फील्ड में और 1200-1300 लोग अभी तक सब्सक्राइब करे, हमारी 4 करोड़ की आबादी तो पाकिस्तान के अंदर, मैं हैरान हूँ, मैं ये चीज मैंने कहा यार अगर कोई बंदा देखो इसमें तुम्हारा कोई टका पाई पैसा तो लग को नहीं रहा कि यार कोई तुमसे कोई हेल्प भी कोई नहीं मांग रहा, तो यार सिर्फ एक सब्सक्राइब करने में या प्रोग्राम देखने में कोई हर्ज तो को नहीं देखोगा तो अगला को हौसला बढ़ा को काम और करो, अगर थम ना कोई और चीज देखनी है ना वह देख दे अपनी माँ बहन बेटी का वास्ता काम कर ला रही हूँ, ताकि भी घर में अगर बैठी ही नहीं, टेलीविजन के कई घर में अपनी इजाजत को नहीं देखने की बहन बेटियां ना बच्चियां ना, लेकिन अब दौर इस आ गए तो यार चलो अगर मोबाइल बन गया करना है तो चलो मेरे प्रोग्राम देखे जे मैं हर प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसी बात हो कोई ना कोई ऐसी नसीहत हो कि जो बच्चा का वास्ता बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मोबाइल अब बिल्कुल हिला कर रख दिए ना, वो माँ बाप की बात रिस्पेक्ट रही ना वो अदब रहे हो घर में, फिर मैंने अपनी माँ बोली घर से ही स्टार्ट करनी चाहिए, मैं घर भी अब उर्दू बोलने लग गया, बच्चे सराइकी है तो सराइकी बोलने लग गया, गिरदो जैतरा जैतरा को जो दोस्त है वो बेहतरा बेहतरा बोलने लग गया, अब जैसे मैं अपना चैनल स्टार्ट करो है अब अलहमदिल्ला हमारे कई ऐसा फनकार है स्टेज का, अब मैं भी हरियाणवी बोलने लग गया, मैं भी नवाज भाई तो राजस्थानी बोल रहा तो मैं भी नहीं ट्राई करा बोली ना, तो भाई बोलन सा ही बोलन बोले जाओगे बाकी जुबाना भी ऊपर है तो ही आइए नहीं बनेगा बोलता रहा तो मैं भी समझ गया भाई बोलता रहा मैं अपनी माँ बोली को नहीं छोड़ी। मैं तो यो कहूंगा नवाज भाई जिस तरह के मेरा जो इलम है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में मीडिया पर 40% हरियाणवी जरूर है, बिल्कुल ठीक करो, किसी भी शोबे में कैमरा मैन बिल्कुल ठीक है बड़ी बिल्कुल सही करे, अगर वो अपनी जुबान बोलना तो आज हम जो है एक अपना अच्छा काम कर सका और अच्छे तरीके से। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात करी है कि हकीकत बात है, और लेकिन मैं नहीं एक दूसरे से शर्मावा बात करता है कि यार बोली बोलेंगे तो पता नहीं कि कोई माइंड ना कर जब कहीं बोलने ला रहे हो, यार माँ बोली के वास्ता तो इंसान अपनी जान दे दिया यार, तो मैं अपनी माँ बोली कहेंगे सामने बोलते क्यों शर्मावा यार, मैंने वो तो बता दो नहीं, बात तो है कि माना बोलनी चाहिए अपनी माँ बोली और माना वास्ता काम करना है, आज इसी सूतड़ी जिसी हमारी आवाम है 4 करोड़ लोग पाकिस्तान में, तो यार खुदा का वास्ता अपनी माँ बोली का वास्ता है, और कोई देखो जी मेरे चैनल को नहीं और भी कई भाइयां खोले हैं चैनल जो हरियाणवी का वास्ता काम कर ले रहे और जो जिन्ना काम कर ला रहे मैं सलूट करूं जनाब, क्योंकि माँ बोली का वास्ता जितना भी काम करोगे वो कम है, हर आदमी अपने हिसाब से काम कर ला रहे वो चाहे कोई भी है कि गांव में कोई देहात में कोई शहर में कोई जो जिन्ना भी कोई माँ बोली का वास्ता है कोई देखने ला रहे कोई काम करने ला रहे, तो मेरा मैं जनाब मैंने फिर सलूट करूँ, तो अंजुम भाई तय लोगों ने क्या कहोगा जी? मैं जो कहूँगा जी मेरे एक दोस्त थे
इस जुबान पे बात आगे चल रही है कि उन्हें कहा जी ये जुबान है ना जो सी अपनी थोड़ी सी मुहज्जब नहीं है। बिल्कुल, अगर हम किसे हालांकि मन जेब नहीं देंदा कि हमारा जो कल्चर है, लेकिन फिर भी कि अगर हम किसी लड़की से बात करें जिस तरह मैं कह दें आई लव यू फलाना फलाना फलाना, हम किस तरीके से कहेंगे? तो मैं कहने लग गया भी हमारी जुबान बहुत मुहज्जब है, हम ना बोलनी नहीं आती। सिर्फ ये है कि हम अपनी जुबान तो दूर हैं, जिसकी वजह था माना अपनी जुबान तो दूरी की वजह था नहीं लगा कि वो गैर महजब जुबान है। इसके अंदर बहुत तहजीब है, बहुत महजब हमारे जितना जो तहजीब और महजब बना करा था। भाई तू की जगह आप कह दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आप कह दो या थम कह दो, थम कह दो, बड़ी बात है। बाबा जी कित जा रहे हो? कित जा रहे हो? बिल्कुल अब देखो ना कितना महजब जुमला, बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? इन दोनों में सेम के फर्क, कहाँ जा रहे हो और कित जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात, बिल्कुल सही कह रहे हो। बस जरा सा फर्क है, वो जरा सी उसमें मिठास आ जाएगी, उसमें चाशनी एक चाप फिक्की हो गई, उसमें जरा सा चीनी डल जाएगी तो जरा वो मीठी हो जाएगी जरा लैंग्वेज, तो बिल्कुल वैसे वो बोलने में ना एक करख्तगी सी नजर आती है कि यार पता नहीं कि बुरो बोलो ही ना कह दिया और लड़ना पड़ा है। तो कई मैं तरह देखे नहीं, आपस में तीन लोग बात कर रहे हो नहीं हरियाणवी, तो एक चौथा आगे कहोगे यार ना लड़ो यार, भाई मैं तो बात कर ला रहा कोई लड़ाई तो कौन क्यों ला रही, वो बड़ा के कर गया ऐसा, तो सबने पता झगड़ा हो गया कोई। अरे तो खेत में पानी लाने गया यार, तेरे थमन गया था पानी, और सवेर का तो मैं पानी बात नहीं भाई, बात नहीं आराम से भी हो सके भाई, बात प्यार से भी हो सके, तो देन हकीकत बात है माना थोड़ा सा भी अपना आपने भी बदलना पड़ेगा। रहेंगे वास्ते जनाब तारी सारंगी कोशिश दरकार है जी। मैं एक बात जरूर कहूंगा जनाब, जो कोई मेरा भाई कोई चीज अगर कोई बना गए भेजना चाहे मैंने जनाब अपना कमेंट्स भी, अपनी कोई वीडियो, अपना कोई सिंगर गान दियाता भी किन्ना भी है तो जनाब मैंने जरूर भेजो, तो मैं इंशाल्लाह अपना पाक हरियाणवी कल्चर टीवी, वो मेरे को नहीं वो थारो अपनो है जी, हैंगे पीछे है जनाब, बड़ा लोगों का हाथ है जनाब माशाल्लाह, एक ही कोनी जिस जन एक भी कमेंट्स भेजे नहीं बैंगो भी है मैं कंट्रीब्यूशन है पाक हरियाणवी कल्चर टीवी में, तो जनाब मैं थाना बड़ो जनाब सरमाथा बत है मेरा स्टूडियो आया पाक हरियाणवी कल्चर में फन सागा फनकार में, कोई वाइंड अप कोई अच्छी सी कोई चीज़ माने सुनाओ। पहला तो मैं अपने सारे हरियाणवी भाइयों ना किसी भी कौम किसी भी गोत किसी भी जात गले ताल्लुक हो भाइयों, या थारा हरियाणवी कल्चर का अपना चैनल है और नवाज भाई इतने प्यारे भाई हैं, इतने मुखलस भाई हैं कि यकीन करो मैंने ये जाने नहीं थे पर नीचे मैंने खुद लेन गई। तो ये मोहब्बत जो है अपने पन की अपने खून की निशानी है, अपने कल्चर था जुड़ो, अपने चैनल ना सब्सक्राइब करो और जितना भी जितना हो सका इसना शेयर करो। तो आखिर में मैं एक जो है किता सुनाऊंगा जी रणवी का जी। बह जनेरा का हो जित सी वाह आड़ जरूरी हो वैस है, वारे वाह। बह जनेरा का हो जित सी आड़ जरूरी हो वैस है, नाजिक फसलां के चुगर दे बाढ़ जरूरी हो वैस है, आहा हा हा हा, वारे वाह। अरे रो बराबर राखण मारी अंजुम जक्के खाड़े में, क्या बात है, रो बराबर राखण मारी अंजुम जक्के खाड़े में, शेरा अर मर्दाना तकड़ी दाढ़ जरूरी हो, क्या बात है, वंडरफुल। जंबर से जनाब हमारे वकील अंजुम साहब जनाब आज नवाज अंजुम के साथ आए, मना बड़ी खुशी हुई, इंशाल्लाह फिर भी मुलाकात होती रहेगी भाईजान के साथ। ये इनका अपना स्टूडियो है, अपना इनका जनाब ये चैनल है, जब दिल चाहे इनके दरवाजे हम आप सब के लिए खुले हैं जी, मेरे इन सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, आप सब भाई हरियाणवी भाइयों के लिए खुले हैं जी। अगले प्रोग्राम तक अपने भाई नवाज अंजुम को इजाज़त दें, अल्लाह सोने के हवाले। फन सागे फनकार।